अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिर फाट होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अबकर खान वर्ल्ड चैनल, दोस्तों एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल आर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी मोबाइल पे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने YouTube चैनल के लिए चैनल आर्ट किस तरह बना सकते हैं, जिसे हम कवर फोटो भी कहते हैं। तो YouTube पर पहले भी बहुत सारी चैनल आर्ट की बनाने की वीडियोस पड़ी हुई हैं, पर वो एक नए यूट्यूबर के लिए बहुत मुश्किल सा तरीका है। जब मैं YouTube पर आया था तो मुझे भी ऐसी बहुत सारी मुश्किल पेश आई थी। तो जिस तरह मैंने अपना चैनल आर्ट बनाया था, मैं भी सेम उसी वही तरीका आपको बताऊँगा कि उस तरीके से आप अपना चैनल आर्ट बड़ी आसानी से किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले किस ऐप की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हम जो चैनल आर्ट बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं पिक्सल लैब पे। पिक्सल आर्ट पे भी बना सकते हैं, पर मैं इस टाइम आपको पिक्सल लैब पे चैनल आर्ट बनाने का तरीका बताऊंगा। तो सिंपली हम इसे पिक्सल लैब को ऑन कर लेते हैं। ये हमने अपनी पिक्सल लैब ऐप ऑन कर ली है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे आपको तीन डॉट्स वाला निशान नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है। वो आपने इमेज साइज़ में जाके कस्टम में जाने के बाद YouTube चैनल बैनर का जो साइज़ है वो लेकर आना है। ये हमारे पास YouTube चैनल बैनर का साइज़ आ चुका है। आपको चैनल आर्ट बनाने से पहले एक मैं चीज़ समझाना चाहूँगा, वो ये है कि जो आप एक अपना माइंडसेट कर ले, जो हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट का जो एक्चुअल साइज़ होता है उसकी मैं आपको पिक दिखाने लगा हूँ कि वो किस तरह का होता है। ये मैं फ्रॉम गैलरी से एक बार सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो पिक आपको दिखाऊंगा। ये मैंने पिक लिया है, मुझे सिर्फ आपको समझाने के लिए चैनल आर्ट अभी हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये है हमारी एक्चुअल चैनल आर्ट की पिक। इसमें जो ये जो सेंटर वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इतना आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आएगा आपको चैनल आर्ट आपका जो भी बना होगा। तो आपने जो कुछ भी लिखना है, वो अपना लोगो हो या टेक्स्ट, आपने चैनल का नाम वगैरह, तो वो आपने इस एरिया में लिखना है। अगर आप कोई फोटोज वगैरह भी PNG या वो भी लगाना चाहते हैं जो मोबाइल पर भी नजर आए, तो वो आप इधर और इस जगह पर लगा सकते हैं। तो ये जो दूसरा एरिया है, बाकी का जो एरिया है, मिसाल के तौर पर ये वाला और ये वाला इस दो एरिया पे जो भी आप काम करेंगे या जो पिक वगैरह लगाएंगे, तो वो आपको डेस्कटॉप पर और टैबलेट पर नज़र आएंगी। तो सिंपली ये आप अपने जेहन में उठा लिए कि इतने साइज़ में आपने सारा अपना काम करना है। इस तरीके से मैं आपको नहीं समझाने जा रहा, ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा कि आप अपना पिक्सल लैब में चैनल आर्ट किस तरीके से बना रहे हैं। डिलीट कर देते हैं, ये हम डिलीट कर देते हैं ये अपनी फोटो। अब मेन अपनी चैनल आर्ट बहुत आसान तरीके से किस तरह बनाना है वो आपको बताते हैं। तो आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गैलरी से जो आपने चैनल आर्ट बनाने के लिए पिक लेनी है वो उठा लेनी है। इस पिक का लिंक भी आपको मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा, तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपको ये पिक पसंद ना आए तो आप गूगल ब्राउज़र से, क्रोम ब्राउज़र से चैनल आर्ट के बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल सकेंगे। तो आपको ये वाला, इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली आपको अपना इधर आके चैनल आर्ट बनाना है। तो आप इधर क्रोम ब्राउज़र से भी ये सर्च कर सकते हैं चैनल आर्ट बैनर बैकग्राउंड, और ये मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। तो अब हम अपना शुरू करते हैं काम। तो सबसे पहले हमने ये अपनी पिक ले ली, उसके बाद हमने क्या करना है, अपना जो लोगो है चैनल का वो लेना है। वो मैं इधर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाऊँगा। गैलरी में जाने के बाद मेरा जो PNG लोगो है वो मैं ले लेता हूँ। ये चीज मेरा लोगो बड़ा है, ये मैंने ले लिया लोगो। उसे आप ओके करें। ओके करने के बाद इसे उस साइज में ले आए जितने साइज का आपने लोगो रखना है। ये थोड़ी सी मेरी जो सेटिंग की हुई थी वो खराब हो गई है, तो मैं इसे सेट कर लूँ एक बार। ये मैंने सेट कर लिया, उसके बाद हम अपने लोगो पर क्लिक करते हैं और इसे बिल्कुल सेंटर में ले जाते हैं। सेंटर में ले आने के बाद ये हमने सेट कर लिया इसे सेंटर में,
ये सेट करने के बाद आप अपने YouTube चैनल का नेम लिखेंगे, वो भी हम प्लस वाले ऑप्शन में टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करके आपने लिखेंगे चैनल का नेम। जैसे कि मेरे चैनल का नेम है अबूबकर खान वर्ल्ड, तो ये मैं लिख लेता हूँ सिंपली अबूबकर खान वर्ल्ड। ये लिखने के बाद हम डन करेंगे, डन करने के बाद ओके, और इसे इधर नीचे ले आएंगे, इसे साइज के हिसाब से सेट करेंगे। ये सेट करने के बाद हमने इसका फॉन्ट सेट करना है, कि मतलब कि इसका फॉन्ट हमने डिज़ाइन में लाना है। तो ये सिंपली हमारा क्लिक किया तो ये ए वाला ऑप्शन जहाँ पे बना हुआ है, ए वाले ऑप्शन में ए बी फॉन्ट्स का ऑप्शन है। ये जो हमारा ए बी फॉन्ट वाला ऑप्शन है, इसमें ए बी फॉन्ट्स वाला ऑप्शन को हमने क्लिक किया और इधर से अपना फॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एमरेंथ बोल्ड, तो ये हमने सेट किया। इसके बाद ये ए वाले ऑप्शन में कलर का ऑप्शन है, कलर हम इसे देंगे ब्लैक और इसे ओके कर देते हैं। और इसमें ही एक ऑप्शन होगा स्ट्रोक का, इस स्ट्रोक वाले ऑप्शन से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। इस स्ट्रोक वाला ऑप्शन इनेबल करना है, इनेबल करने के बाद मैं इसे येलो कर देता हूँ, तो ये येलो करने के बाद मैंने ओके किया। अब इसको मैं अपने लोगो के जो है हिसाब से कर्व करूँगा, तो कर्व करने के लिए ये ए बी सी कर्व का ऑप्शन है, इसे आप चूज़ करेंगे। ये चूज़ करने के साथ ये कर्व हो जाएगा आपका जो चैनल का नेम है, तो ये बहुत इससे प्यारा लगता है। अगर आप इसे ना भी करना चाहें तो नहीं भी करें, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह होगा। तो ये मैंने सिंपली इसे कर्व कर लिया, ये मैंने इसे फुल कर्व किया, ये मैंने जी फुल कर्व कर लिया। इसे कर्व करने के बाद अब हम इसे जो अपने चैनल का जो है टाइटल वो देंगे, जो हमारा चैनल किस तरह का है, ये किस चीज किस तरह के वीडियोस चैनल में आता है। तो मैं अपने चैनल के टेक्निकल फैक्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाता हूँ, तो मैं सिंपली वो नीचे लिखूंगा। तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करें और इधर आप लिखें जो भी आप अपने किस तरह का भी आपका चैनल है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। मैं लिखूँगा Facts and tips and tricks, सिंपली ये हमारा लिखा जा चुका है टेक फैक्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसे भी हम उसी तरीके से अपने जो चैनल का नेम है उसके नीचे सेट करेंगे। तो इसका भी आप ए पी फॉन्ट्स में से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका मैं फॉन्ट वही लगाता हूँ। और उसके बाद इसका हम करते हैं कलर सेट, कलर वाले ऑप्शन में जाके इसे भी मैं ब्लैक करूँगा। ब्लैक करने के बाद इसे भी स्ट्रोक, इसे भी देंगे हम स्ट्रोक, देने से ज़रा आपका जो फॉन्ट है वो प्यारा लगता है। ये मैंने अब इसे भी स्ट्रोक दे दी, या हमने इसे भी स्ट्रोक दे दिया। तो अब हमारे पास ये जो साइडों पे जगह बची है इसे, इसमें हमने क्या करना है, इसमें आप अपने पिक्स लगा सकते हैं जो पीएनजी करके रखी हूँ। पीएनजी पिक्स कैसे करते हैं उसकी भी मैंने आपको वीडियो बता दी है, उसका भी लिंक आपको मैं दे दूँगा। तो ये साइडों पर जगह खाली अच्छी नहीं लग रही, तो इधर मैं अपने पीएनजी जो पिक्स मैंने बना के रखी हैं वो लगा दूँगा। तो सिंपली फ्रॉम गैलरी में से हम अपनी पीएनजी जो पिक्स हैं वो उठा लेते हैं। जी पीएनजी पिक्स मैं उठा लेता हूँ इधर से अपनी, तो ये सिंपली मैंने पिक उठा लिया, तो इसे अब मैं करूँगा इधर सेट। इसे अब हम इधर कर लेते हैं जी सेट, और इसके ऊपर भी हम स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक देने से ज़रा पिक आपकी प्यारी लगेगी, जो साइडों पे खाली खाली थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसे इस पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर जाने के बाद इधर से पिक की हम स्ट्रोक दे सकते हैं। इसकी मैं जो है स्ट्रोक वाइट कलर में दूंगा, वाइट में। जी जी हमारी वाइट कलर में स्ट्रोक आ चुके हैं, इसे आप जितना चाहें जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद इसका शेडो दूंगा कि पीछे थोड़ा सा शेडो आ जाए, ये मैंने जी इसका शेडो दे दिया। इधर से आप शेडो को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये हमने इसका शेडो दे दिया। अब हम लेते हैं दूसरी साइड पर लगाने के लिए पीएनजी फोटो, फिर फ्रॉम गैलरी से
हमने अपनी एल्बम में से जहाँ पे आपकी पिक पड़ी है जिस फोल्डर में, उस फोल्डर से आप अपनी पिक ले सकते हैं। तो ये मैंने PNG करके पिक्स रखी हुई हैं। आप भी इसी तरह जब भी अपना चैनल आर्ट बनाएं तो आप पहले ही अपनी पिक्स जो है वो रख सकते हैं PNG करके। ये अब आपने मैंने सेट कर ली है फोटो, तो इसे भी मैं उसी तरह बिल्कुल स्ट्रोक दूंगा। तो ये आ गया शेडो, तो हम जाते हैं स्ट्रोक वाले ऑप्शन में, इनेबल करते हैं और इसे भी वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद ओके, उसके बाद हम देंगे जी इसकी शेडो। शेडो इनेबल करके हमने इसका शेडो दे दिया जी। तो ये देखें दोस्तों, हमारा चैनल आर्ट इस टाइम बिल्कुल रेडी है, इस टाइम तैयार है। अब जी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी ज़रा बनाया है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बाकी आप इससे भी मज़ीद अच्छे तरीके से बना सकते हैं अपना चैनल आर्ट। तो चैनल आर्ट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप ऐसा ऐसा मज़ीद अच्छा सीख जाएंगे। तो ये हमारा चैनल आर्टिस्ट बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो इसे आप अपने सिंपली ऊपर से जहाँ पर ये फाइल वाला ऑप्शन बना है, इधर से आप इसे सेव एज इमेज में जाके और कस्टम में जाने के बाद अल्ट्रा में जाके इसे आप सेव टू गैलरी कर सकते हैं। तो ये अभी मैं आपको गैलरी में दिखाता हूँ कि हमारा ये किस तरह का लगता है। ये देखें जी एल्बम, एल्बम में आने के बाद ये हमारा बिल्कुल रेडी है सर। ये लें दोस्तों हमारा चैनल आर्ट बिल्कुल रेडी है। आप इससे भी मज़ीद अच्छा बना सकते हैं, आपको इन बैकग्राउंड के अलावा भी बहुत सारे अच्छे बैकग्राउंड मिल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अब आपको मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।